अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस, एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, आई बिलीव दैट समहाउ वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि अगर तो ये हो गया तो पाकिस्तान में तब्दीली और तरक्की काफ़ी हो जाएगी। क्योंकि आप लोग खुद सोचें कि 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि पढ़ाई से महरूम हैं, वो पढ़ लिख नहीं सकते क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके घर वाले अपने बच्चों का पढ़ना लिखना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये 2.5 करोड़ बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि उनके घर वाले उनको पढ़ना लिखना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इसलिए उनको बाहर भेजते हैं अपनी आमदन के लिए। तो इसी सोच को बदलने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, उनके कुछ स्टूडेंट्स ने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना एक कैंपेन स्टार्ट की जाए जो कि इन बच्चों को मुफ्त तालीम दे विद द हेल्प ऑफ डोनेशंस, विद द हेल्प ऑफ चैरिटी फंड्स। तो इसी तरह 2015 में एक कैंपेन बनाई गई जिसका नाम ईच वन टीच वन रखा गया, और आज माशाल्लाह इस कैंपेन के 3 कैंपस बन चुके हैं। एक भुट्टर कैंपस नियर गुजरात, और एक इस्लामाबाद कैंपस है जो कि अभी वर्किंग प्रोग्रेस है, और तीसरा कैंपस जो जहाँगुला स्टेडियम के बाहर एक स्ट्रीट स्कूल था जहाँ पर बेंचेस, चेयर्स वगैरह लगाकर बच्चों को पढ़ाया जाता था, आज माशाल्लाह वहाँ पर एक कंटेनर बना दिया गया है जो कि आज पाकिस्तान का फर्स्ट एवर कंटेनर स्ट्रीट स्कूल बना दिया गया है। ये कोई मामूली स्कूल नहीं है, इस स्कूल में जितनी फैसिलिटीज दी गई है ना, वो आज यूनिवर्सिटी में होती है। इवन के पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वो फैसिलिटीज नहीं है जो कि इस स्कूल में फैसिलिटी है। आप खुद देख लें कि यहाँ पर प्रोजेक्टर शीट, फॉर्म शीट, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी के लिए, और काफी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, जो कि गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में नहीं होते। तो ये सब ईच वन टीच वन के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके स्ट्रगल्स, उनके मेहनत, उनका जो जुनून, उनका जज्बा, सब उसी की वजह से हो रहा है। इस कंटेनर स्कूल के पीछे इतनी मेहनत है, इसको रंगों से भर दिया गया, इसको इतना प्यारा कर दिया गया, इसके सब वॉलंटियर्स की इतनी मेहनत यहाँ पर है, दिन रात मेहनत की है उन्होंने, तो उनकी मेहनत आज माशाल्लाह रंगों से भरी हुई है। तो मैं इस कंटेनर स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में गया। ईच वन टीच वन के मेंबर है अब्दुल रहमान लोधी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, इस कंटेनर स्कूल की वीडियो बनाओ, इसको अपने चैनल पर अपलोड करो, लोगों को दिखाओ, लोगों के अंदर जज्बा लेकर आओ ताकि वो भी इन बच्चों के लिए कुछ करें। पाकिस्तान के हर शहर में इस जैसा स्कूल हो ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से महरूम ना हो। तो जब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ के जो सीन देखे, मैंने जब कंटेनर स्कूल देखा, तो उसको मैं बयान नहीं कर सकता यार, आप लोग खुद देख लो। कैसा लगा आपको ये स्कूल? माशाल्लाह यार, इतना प्यारा स्कूल है, वहाँ जाओ तो कुछ अलग ही माहौल होता है यार। सीरियसली स्कूल से नज़र हटाने का दिल ही नहीं करता। एक तो माशाल्लाह इतना प्यारा है, रंगों से भरा हुआ स्कूल है, और जब मैं वहाँ गया तो जो बच्चों का जो वहाँ पर माहौल था, बच्चों की मस्तियाँ, बच्चों की शरारतें, उस चीज़ का भी अलग ही मज़ा था। अभी मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ वहाँ पर, जो सारे मेंबर उन बच्चों के साथ काम करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इनको कितना मज़ा आता होगा। बहुत बड़ा दिल चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में ऐसे होता है, हर बंदा अपना ही फ़ायदा सोचता है। अगर हम इस तरह का काम शुरू करें तो हमारे घर वाले, इवन हमारे दोस्त, फैमिली, सब बोलते हैं कि यार तुम किस चीज़ के पीछे पड़ गए, इस चीज़ में तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ करो जिसमें तुम्हारा फ़ायदा हो। ये ईच वन टीच वन के जितने मेंबर्स ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनके लिए कल को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा रिवार्ड होगा। सो थैंक यू सो मच ईच वन टीच वन फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल ओकेजन। इंशाल्लाह आप जो काम कर रहे हो आपको काफ़ी कामयाबी हासिल होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर कोने में इस तरह का स्कूल बनेगा, इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर तो आपको वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, मेरे लिए नहीं, इन बच्चों के लिए कर देना यार। अगर तो आप में से कोई इंटरेस्ट रखता है डोनेशन में, चैरिटी फंड में, तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ईच वन टीच वन का जो मेन पेज है फेसबुक का, उसका लिंक ऐड कर रहा हूँ। ईच वन टीच वन फाउंडेशन को फॉलो करें आप। अगर तो कोई डोनेशन देना चाहता है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। सो इंशाल्लाह आपको मैं जल्दी मिलूँगा। जल्दी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं जल्दी मिलता नहीं, अभी भी वीडियो में काफ़ी देर बाद मैं बना रहा हूँ, आई नो। जब अगली वीडियो जो होगी ना वो उसमें सब कुछ मैं बता दूंगा, मतलब एक रीज़न बता दूंगा, अपना सारा मेन रीज़न बता दूंगा कि मेरी वीडियो क्यों लेट होती है। अब भी फ़िलहाल मैं ये बोलूँगा कि इंशाल्लाह को मैं जल्दी मिलूँगा। सो बी हैप्पी, बी सेफ, दिस इज शान भाई, अल्लाह हाफिज़।